अपनी अनोखी समाज सेवा के कारण मुंबई ही नहीं बल्कि दूर दूर तक चर्चा में छाए रहने वाली संस्था जेब्रो फाउंडेशन के प्रमुख आशीष गडकरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे जेब्रो फैसिलिटी उपक्रम की ओर से चेंबूर के सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटियों, बंगलों, बिल्डिंग्स में सैनिटाइजर स्प्रे और फ्यूमिगेशन किया जा रहा है, जिसका लाभ सभी को हो रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने में जेब्रो फैसिलिटी के इस उपक्रम पर सभी ने उनका धन्यवाद अदा किया है। हेलो एवरीवन, आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिस्टर आशीष गडकरी एंड हिज टीम जेब्रो फैसिलिटी। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ सैनिटाइजिंग होम्स, फ्यूमिगेटिंग देम, विच इज हेल्पिंग अस टू लिव इन अ बेटर एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट। हमको मदद मिलती है कि हम अच्छे से रह सके, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, एंड उम्मीद है करते रहेंगे और हम सबको हेल्प करते रहेंगे इसी तरह। रियली हार्टफेल्ट विशेस टू हिम, ऑल द बेस्ट टू टीम जेब्रो फैसिलिटी एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आशीष गडकरी सर, थैंक यू वेरी मच। गौरतलब है कि पिछले साल भी कोरोना काल में सभी को तरह तरह की मदद करने वाले जेब्रो फाउंडेशन ने उपनगर में फील्ड पर रहने वाले पत्रकारों को कोविड इंश्योरेंस कवर देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया था। ऐसे ही कई कार्य जेब्रो की ओर से किए गए हैं, यह जानकारी जेब्रो फाउंडेशन के प्रमुख आशीष गडकरी ने दी। बेसिकली आप देखो तो इतनी दिक्कत हो चुकी है सब जगह पे अभी, और सबसे पहले तो जो लोग बेचारे कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे मेडिकेशन, तो बहुत दिक्कत है उन लोग के लिए। जेब्रो फाउंडेशन तो लास्ट पैंडेमिक में भी काम कर रहा था, ये सैनिटाइजिंग करना है, फ्यूमिगेशन करना है, फॉगिंग करना है, जितने हो सके फाउंडेशन के पास से हमने कोशिश की है कि बिल्डिंग्स हो, मेरे ख्याल से कम 250-300 बिल्डिंग की हमने सोसाइटीज़ किए, 700-800 बंगलोस किए। पर मैं तो लोगों को आपके ज़रिए से यही बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग है, घर में रहना है, स्टे होम जो बोलते हैं, उसके अलावा मास्क इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कुछ बचाएगा तो ये दो तीन चीज़ें ही बचाएगी आपको। लेकिन सैनिटाइजेशन क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप फ्यूमिगेशन करते हो तो जो हवा में भी आजकल फैल रहा है कोरोना के स्ट्रेन जो आते हैं, तो उससे एक बेनिफिट मिलेगा। तो जिससे घर में कोरोना हुआ है या सोसाइटीज़ में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली दे कॉल अस, फाउंडेशन पे कॉल करके। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जेब्रो फैसिलिटी करके चालू कर दिया है, और फैसिलिटी के समय हम लोग और फुल फ्लेज काम कर रहे हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट्स में भी काम कर रहे हैं, ऑफिसेज कमर्शियल भी चालू कर दिया कर रहा, बिकॉज सब जगह पे दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अगर आप देखोगे तो सैनिटाइजिंग है, फ्यूमिगेशन है और फॉगिंग, यही आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब सब बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज़ में सब यूवी सिस्टम चालू किया है, तो वी आर नाउ ऑल्सो प्लानिंग टू गेट यूवी सिस्टम्स इन इंडिया, ताकि हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, एयरपोर्ट्स है, सब जगह पे ये इम्प्लीमेंट कर सके। मेरी बात चालू है दो चार कंपनीज में, दुबई के अंदर भी और यूएस में भी, तो वी विल बी इम्पोर्टिंग इट हियर इमिडिएटली और चालू भी करेंगे वो काम भी। तो उसमें 90% DNA ब्रेक करता है यूवी प्रोटेक्शन, तो वो सिस्टम जल्द ये महीने के अंदर यहाँ पे आ जाएगी और हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फाउंडेशन के ज़रिए और आप बोलो फैसिलिटी के ज़रिए, दिस इज़ द ओनली सर्विस आई थिंक हम लोग दे रहे हैं फिलहाल लोगों को, और तो जो अपने हाथ में वही दे सकते हैं। बाकी तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स है, बाकी अपने जो BMC के वर्कर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो तो अपना दिन रात मेहनत तो कर ही रही है, उनका कितना भी अगर शुक्रगुजार है हम लोग तो उतना कम है, जितना भी मतलब उनके बारे में बात करें वो कम है। देखो लास्ट ईयर का रिस्पांस तो अल्टीमेट था ही, बिकॉज सब लोगों के लिए कोविड का तो फर्स्ट टाइम ही था मतलब वो, और मुझे तो बहुत ताजुब था कि मतलब जो पत्रकार लोग हैं, जो आप रिपोर्टर्स हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हो आप, इतर से बाइट्स लेके वहाँ पे न्यूज़ लेने के लिए, आपने ज़िंदगी में एक बार भी सोचा नहीं कि आपके घर वालों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, लेकिन जहाँ पे न्यूज़ मिली, जहाँ पे लोगों को आप सतर्क कर सकते हो, जहाँ पे लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप हमेशा वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ली आप लोगों ने। तो मेरी फाउंडेशन का सबसे पहले मैं तो बोलूँ कि सबसे बेस्ट काम था कि आप लोगों को जो हम लोग ने एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया, और वो हर साल हम लोग प्लान करने वाले हैं, दिस इज़ बाय डिफॉल्ट विद जेब्रो फाउंडेशन, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा भी अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं आपके लिए और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, व्हाट जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन से, मैं उनको भी एक अपील करता हूँ कि आप आ जाइए जेब्रो फाउंडेशन में जुड़िए। और आज सब CM का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, PM का शुक्रगुजार हूँ,
जिन्होंने आज ये वैक्सीनेशन सिस्टम चालू कर दी इंडिया के अंदर। और मैं आपको सबको इसी माध्यम से यही बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ले लीजिए ताकि हम लोग इसको और अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। देखो आप इज़राइल में बाकी भी कंट्रीज़ में आज उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सब कंट्री के सब लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया। तो क्या स्ट्रेंस कितनी भी आएंगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, कितनी वेव्स आएगी, लेकिन आप यू आर सिक्योर्ड। तो वैक्सीनेशन आपको एक 6-8 महीने तक का जो बूस्टिंग मिलेगा इम्यून आपको, दैट विल बी ए बेस्ट थिंग। तो सीनियर सिटीजन का तो हो गया है मेरे ख्याल से, अभी सरकार जल्दी से जल्दी 18 और 45 के अंदर के लोगों को भी करने वाली है वैक्सीनेशन चलो। तो सबको एक रिक्वेस्ट या अपील है कि आप वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए और प्रिकॉशंस जो भी है आप पालिए, यही आपको लॉन्ग टर्म में बचाने वाला है। और अब ये नई स्ट्रेन मैंने सुना कि बच्चों को भी अटैक कर रही है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को ये तो अच्छा है कि स्कूल तो बंद है फिलहाल, बट ट्राई टू अवॉइड चिल्ड्रंस गोइंग आउट, और एक लोकल जो बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट जो होता है वो बच्चों को दूर रखिए इससे। सैनिटाइजिंग के अंदर, वैक्यूम के अंदर भी हम लोग जो इसका कर रहे हैं, फॉगिंग के अंदर भी कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली बच्चों को जो रूम्स होती है उसको और ध्यान से करते हैं ताकि उनको तकलीफ नहीं आए बेचारों को, और सीनियर सिटीजन्स की रूम्स होती है उसको प्रॉपरली करते हैं हम लोग। तो ये माध्यम से हम लोग फाउंडेशन के जरिए अभी बेसिक काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो रेस्टिंग किट्स वगैरह प्लान भी किया था बहुत सारे, बट ये तो मतलब इसकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कर ही रहे। सरकार भी बेचारी इतनी मेहनत कर रही है लोगों को, तो सब लोग लगे हैं आज इसके अंदर, तो सबको ही मतलब सबका ही शुक्रगुजार हूँ हम लोग फाउंडेशन के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।